बिल्कुल बिल्कुल सही सुना मेरे दोस्तों, आप लोगों ने, स्वागत है आप सभी का। और हाँ, आप और मैं, हम सब एक दिन कामयाब हो सकते हैं, बिल्कुल कामयाब होंगे। कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ मैं अभी बिल्कुल कॉन्शियस और सोबर हूँ, ठीक है। और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि अगर आप लोग मुझे पहले से जानते हैं तो मेरे मुँह से कामयाबी वगैरह के बारे में सुन के थोड़ी हिचकिचाहट हो रही होगी आपको। तो बेसिकली मुझ पर भरोसा करना काफ़ी मुश्किल है आपके लिए, एंड दैट्स एक्चुअली गुड थिंग बॉस। क्योंकि देखो, मुझ पे आपको भरोसा करना भी नहीं है, आपको सिर्फ खुद पे भरोसा रखना है, सिर्फ खुद पे भरोसा रखना है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। एंड जस्ट लाइक दैट, बिना कुछ किए आपकी सक्सेस का पहला स्टेप मैंने क्लियर कर दिया। दैट इज क्रीपी फॉर यू गाइस, दैट इज क्रीपी फॉर यू गाइस। एंड आई थिंक अब मुझे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितना सक्षम हूँ आपके लिए। आई थिंक मैंने ये ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। सो लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो, क्योंकि अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं मुझसे। मुझे इस ब्रह्मांड का सच पता है, मुझे इस ब्रह्मांड की चाबी मिल गई है दोस्तों। इमेजिन, एक ऐसी चाबी जिससे आप कोई भी ताला खोल सकते हैं, किसी भी चीज को खोल सकते हैं। इमेजिन, कुछ भी खुल जाएगा भाई उस चाबी। कोई तिजोरी, कोई दरवाजा नहीं है जो आप नहीं खोल सकते। इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज है भाई। इफ देयर समवन हुज पैंट्स यू वांट टू गेट इनटू, कोई लड़का है या कोई लड़की है जिसके साथ आप सेक्स करना चाहते हैं, हाउ डू यू डू दैट? आपको बस वो चाबी लेनी है और आप उस चाबी से उनके कपड़े खोल सकते हैं। एंड आई नो इट साउंड लाइक कि मैं अपने व्यूअर्स को सेक्शुअली असॉल्ट करने के लिए बोल रहा हूँ दूसरों को, लेकिन ऐसा नहीं है यार। कम ऑन कम कम ऑन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल पे स्पेसिफिकली हम लोग ऐसी सेंसिटिव चीज़ों पे बात नहीं करेंगे आज, कभी और कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मच मोर। इट्स अबाउट द पावर दिस यूनिवर्स होल्ड्स एंड ऑल द इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज इट हैज़ फॉर अस। ऑल द मनी, ऑल द पावर, ऑल द रिस्पेक्ट, वी मैनिफेस्ट इट गाइज। हम अपनी कामयाबी मैनिफेस्ट करने वाले हैं। हम एक एक खुले दिल के साथ इस यूनिवर्स से सब मांगेंगे और यूनिवर्स हमको दे देगा। बिकॉज दैट्स हाउ दिस बिच वर्क्स, दैट्स हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स मैन। मैनिफेस्टेशन बेबी, सुना नहीं क्या कभी तूने? क्या चाहिए भाई तुझे? सब देगी यूनिवर्स तुझे, कोई रोक टोक नहीं है इसमें, ठीक है। बंगला बेंटली बिचेस सब मिलेगा भाई हमें, बंगला बेंटली बिचेस, बंगला बिल्ली बिच। लेकिन दोस्तों, उसके लिए पहले तुम्हें भरोसा रखना पड़ेगा प्रोसेस में। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। वैंचो ऐसे नहीं हो जाता कुछ भी, है ना। तो इसीलिए मैं अभी आपको एक दो वीडियोस दिखाने वाला हूँ जिससे आपको ना थोड़ा और अवेयरनेस फैले मैनिफेस्टेशन के बारे में, और वीडियो खींचनी है मुझे। देखो, सबसे पहले मैंने बियर बाइसेप्स की एक वीडियो पे क्लिक करके रखा था। एंड सी, आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट विथ यू गाइज, मैंने तो बस गालियां देने के लिए खोली है वीडियो कसम से। देख, सीधी बात है मेरे दोस्त, ऐसे तूने 250-300 वीडियोस बना रखी है मैनिफेस्टेशन पे, है ना। मैंने ऐसी किसी पे भी क्लिक कर दिया बस तुझे गाली देने के लिए दोस्त, है ना। पर्सनली कुछ मत लेना, बट दैट्स जस्ट हाउ द इंटरनेट वर्क्स मैन। मतलब मैं क्या करूँ, मैं कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे वीडियो में। बेंचो यहाँ लोग देख रहे हैं यार, कुछ तो करना पड़ेगा बेंचो, है ना। थिंक पर्सनल हाँ रणवीर भाई, ऐसा कुछ पर्सनली मत लेना, मैं जनरली बदतमीजी कर रहा हूँ भड़वे, ठीक है। आई एम सो सॉरी अबाउट इट, बट अब क्या करूं यार, वीडियो मुझे भी बनानी है, ठीक है। ब्रो, हैव यू हर्ड ऑफ दिस थिंग कॉल्ड द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन? हैव यू हर्ड दिस थिंग ऑफ कपाच मैनिफेस्टेशन? पोस्टली के आयुष्मान खुराना है वो मैन, समझा? ये ना आयुष्मान खुराना है, तुझे लगता है इसने मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं सुना होगा? है अलाबादिया, आर यू लुकिंग डाउन अपॉन आयुष्मान खुराना? खुराना साहब इज माई फेवरेट एक्टर, ऑल राइट। उसने बारे में कुछ भी बोला, तेरे को भैंसू यहीं पे नंगा करके मार। तूने अब अपना मुंह खोला इस पॉडकास्ट में, मैं इतना बजाऊंगा तेरे को भोसड़ी के, समझा तू? नथिंग पर्सनल मैन, ना मेरे को बदतमीज होना पड़ रहा है बस, नथिंग पर्सनल। Bro, have you heard of this thing called the power of manifestation and all of that? Of course. And can you elaborate a little bit on how you've used the power of manifestation? When I came to Bombay for the first time, तब मुझे याद है मैं ऑडिशन देने जाता था और अपने मन में मैंने सोचा था कि जब तक मेरा कोई ऑडिशन क्रैक नहीं होगा, मैं किसी बीच को नहीं देखूंगा। लाइक मैं जुहू बीच क्रॉस करता हूं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, यहां है भी नहीं बीच, यहां है भी नहीं बीच। एंड इट वाज द पावर सो स्ट्रांग, एक हफ्ते तक मैंने देखा ही नहीं बीच को। पहला स्टेप तो हमारा ऐसे ही क्लियर हो रहा है भाई, बीचेस बीचेस है ही नहीं दोस्त यहां पे, मेरे को मुश्किल से नाले दिखते हैं अपने शहर में। आई वाज सफरिंग पर्सनली इन माय लाइफ एंड आई वाज नॉट टॉकिंग टू माय पेरेंट्स। Nobody. I was such a hustler when I was in early 20s. की वो horse vision. हाँ, तू मैं तू फिर बोला अलाबादिया, ताले घोड़े मैंने बोला था ना तुझे चुप रहने के लिए, समझ नहीं आती बात ना, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, ऐसे मानेगा नहीं साला, है ना। I have to do something extra भाई, है ना। Fucking अलाबादिया, and you'll always question yourself when you're going through failures. The worst and the best part of your life are the failures.
they are the best teachers. Success is a very long. I resonate with this sentence, man. Failures are good. See, I've been a failure all my life, and I can approve. It is true, 100% true. गाइज मैं कहता हूँ कि लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, अगली वीडियो जो है वो भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा. 100% होगा मैनिफेस्ट. सीक्रेट है ये, कुछ भी आसानी से मैनिफेस्ट करने का. सो आई मीन नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग. आज जो मैं बात करने वाली हूँ ना, वो आपके मैनिफेस्टेशन में बूम, यस एग्जैक्टली ऐसे ही काम करेगा. Boom. ऐसे काम करेगा ऐसे भाई. तो boom. ये She has no fucking explanation, man. इनको खुद नहीं पता क्या हो रहा है भाई दुनिया में. Boom, भाई, that's the power of the universe. आपका जो विश्वास है ना वो दो तरफ से 100% अगर पक्का होता है तो बिल्कुल. वो boom ऐसे ही काम करता है. अब ये क्या boom. है दो तरफ का विश्वास. पहला विश्वास ये कि अपने आप को विश्वास दिलाना सीखें. अपने आप को 100% विश्वास दिलाना सीखें कि ये मेरी मैनिफेस्टेशन है, ये मेरी चीज है और मैं इसे yes. के लिए तैयार हूँ. मैं डिजर्व करती हूँ या मैं करता हूँ. 110% मैं इसे अट्रैक्ट exactly, कर भाई एग्जैक्टली यही करना है भाई. हमको बस यही करना है भाई. हमें भरोसा करना है कि यूनिवर्स हमें दे देगा वो सारी चीजें. अब मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे कोई बेंचो डिल्यूशनल बोले, पागल बोले, गंजेड़ी बोले, आई डोंट गिव अ शिट भाई. मैं तो यूनिवर्स मांग रहा हूं अपने सब. अब दूसरे विश्वास की बात करते हैं. जितना विश्वास आप अपने ऊपर कर रहे हैं उतना ही विश्वास आप यूनिवर्स के ऊपर भी करें. बिल्कुल भाई, हो गया वो तो डन है मैम. बिल्कुल आप समझ लीजिए हमारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट है. तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बताना चाहता हूँ. एंड आई थिंक उसका इस्तेमाल करके आप और मैं हम एक ऐसी एनर्जी फील्ड हार्नेस करेंगे जिसके अंदर आके हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे, है ना. मैंने एक्चुअली अपने एक दो दोस्तों को पिच किया अपना ये आइडिया एक एनर्जी फील्ड हार्नेस करने का, लेकिन उनका ये मानना है कि मैं डिल्यूशनल हो चुका हूँ और मैं पागल हूँ और मुझे नशे कम कर देने चाहिए. आई मीन कम ऑन, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर कोई बंदा आपको समझे. यू नो हर किसी के पास वो दिमाग भी नहीं होता कॉम्प्रिहेंड करने के लिए. बट आई होप कि आप लोगों के अंदर दिमाग है. हाँ मतलब मैं तो प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ. सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ये जो अल्ट्रा हीलिंग वाइब्रेशन, पावरफुल मेडिटेशन साउंड्स और ये मिराकल म्यूजिक रहते हैं ये आप खोल के बैठ जाएं. और एक दो से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त, आपको कम से कम 20-25 खोल के रखनी है एक साथ. ठीक है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये जब बेंचो 20-25,000 हर्ट्ज एक साथ तुम्हारे भेजे में जाती है ना भाई, कुछ तो होता है भाई. तुम्हारा दिमाग काइंड ऑफ चटक सा जाता है भाई. एंड इन दैट स्टेट ऑफ बींग आपको सोचना है उन सारी चीज़ों के बारे में जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, विच इन आर केस इज बंगला, बेंटली एंड बिचेस. तो हम उसी के बारे में सोचेंगे. ऑल्सो आई वॉन्ट टू थ्रो अ पार्टी फॉर यू गाइज. मैं अपने सब्सक्राइबर्स, अपनी फैमिली के लिए एक पार्टी थ्रो करना चाहता हूँ अपने बंगले में. तो हम उसके बारे में सोचेंगे, हम वो मैनिफेस्ट करेंगे. ऑल राइट मेरा बंगला है, देख तो सही रहेगा. लेट्स हैव अ लुक अराउंड. ये मेरा ही बंगला है यार, ये मेरा ही बंगला है. नो माई सेल्फ. ओह कोई आया है, मेरे सब्सक्राइबर्स आए होंगे सारे पार्टी करने के लिए. ओह कम ऑन गाइस, आओ. आप सब उम्र में थोड़े छोटे लग रहे हैं, बट कोई नहीं, आइए आइए आइए. वहाँ दारू वहाँ रखी आगे. भैया सुनो, आपके बाकी चूक. थैंक यू. वेट अ मिनट मैम, वेट अ मिनट. ये आपकी बड़ी बहन है? बड़ी बहन होगी तेरी. शी इज माय गर्ल. इट्स ऑल राइट, समझा ना. इट्स ऑल राइट वर्जिन साले. बच्चे आजकल के बिगड़ ही गए हैं. हे गाइस, आई होप यू एंजॉयिंग. अगर किसी को भी मेरी जरूरत है तो मैं अपने बेडरूम में हूँ. जस्ट हमने पूछा क्या लौड़े, कहाँ है तू, भागे ऐसे. उसका मुंह तोड़ दूंगा, मारो चोट जा साला. कौन है वो? हाय हाय बियर बाइसेप्स, आप क्या कर रहे हो मेरी इमेजिनेशन के अंदर? ये दोस्तों हाय, दिस इज माय बेडरूम.
और आप आ ही गए हैं तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ आपसे बदतमीजी करने के लिए। सॉरी, मुझे अभी रियलाइज हुआ कि जब कोई सामने से बदतमीजी करता है तो कैसा लगता है। आई एम सो सॉरी भाई, आई एम सो सॉरी। मेरे साथ शादी करेगा? यू नो व्हाट बी ए बाइसेप्स भाई, ये जो मेरा बेड है ना, मैंने अभी तक ट्राई आउट नहीं किया है, सो वी कैन गो चेक इट आउट इफ यू वांट। आ जाओ, कुछ नहीं होगा, कम ऑन। आ जाओ। एक मिनट, बिफोर वी हॉप ऑन द बेड, मेरे को एक चीज पूछनी है आपसे। क्या मैं आपको प्यार से क्वियर बाइसेप्स बुला सकता हूँ प्लीज? मतलब कैन यू हैव सेक्स? कैन यू हैव सेक्स? ठीक है, लाइक ब्रोमांस, ब्रदरली लव? ठीक है, यस। आप जाओ, बेड में जाके लेटो, मैं आ रहा हूँ। दीप, यू कैन जस्ट स्टॉप इमेजिनिंग मैन। ये सब क्यों सोच रहा है भाई? कम ऑन दीप भाई, इमेजिनेशन ही है यार, इट्स जस्ट इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? तुम बता रहे हो क्या किसी को बेंच हो? कुछ नहीं, इट्स ऑल राइट, आ रहा हूं। बदमाश। लास्ट नाइट वॉज मैजिकल, हाँ, इट वॉज मैजिकल। आई फेल सम सॉर्ट ऑफ अ कनेक्शन मेरे और रणवीर के बीच में, इट्स क्रेजी। हाँ, रणवीर, ये क्या हो गया है इसको? हाँ, कल तक तो ऐसा नहीं दिख रहा था। ये तूने क्या किया? सच सच बता। हाँ, कहाँ कहाँ मुंह काला करवा के आया? I thought we had something special, man. बीमारी कौन सी है तो बता दे। भोसड़ी, मैं डिल्यूजनल हूँ यार, मैं ना, मेरे दोस्त सही कहते थे मैं पागल हूँ शायद, गाइस। सी रणवीर, मैं ना लड़का अच्छा हूँ भाई, लेकिन तू मुझे मिल गलत जगह पे गया है, इंटरनेट पे, है ना? सो आई कैन नॉट हेल्प इट मैन।